अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप सब कैरियर से होंगे और आज हम दोबारा से खेलने जा रहे हैं माइनक्राफ्ट। जैसे कि आप लोगों को याद है, लास्ट वीडियो में मैंने बनाया था अपना इंचेंटेड टेबल, यस। और उस वक्त मुझे लगा था इसमें काम है बुक शेल्फ, लेकिन मैंने जब इसमें देखा, असल में आपको बताता हूँ होता क्या है। असल में उस दिन मुझे ये लगा था कि 23 जब बता रहा है ये वो लेवल है ना, ये एक्सपी बता रहा है हमारी। असल में हम अपनी सोर्ड यहाँ रखते हैं, जब ये 30 बता देना तो इसका मतलब ये है कि ये फुली मतलब फुल मैक्स है, इससे 30 लेवल की इंचेंटमेंट दे रहा है। बेस्ट जो बेस्ट इंचेंटमेंट होती है वो 30 लेवल की होती है। तो आज मैंने बनाना है अपने लिए एक एक्सपी फार्म, क्योंकि मेरे पास एक्सपी बहुत कम है। तो उसकी तैयारी भी शुरू करते हैं। वो हमारे पास ये काफ़ी सारे एमरल्ड हैं और इस एमरल्ड की वार्डन ट्रेडर स्पॉन हुआ था, उससे मैंने 4 कैल्प लिए हैं। ये फ्यूचर में काम आएंगी, मैं आपको बताऊंगा। असल में बस वो यहाँ पे मेरे पास कहीं सी भी तो है नहीं, आसपास आपको पता है कहीं भी सी नहीं है, समुंदर ओशन कुछ भी नहीं है। तो इसलिए मैंने उसी से वार्डन ट्रेडर से ही कैल्प ले लिया। तो इसका बाद में हम काम करेंगे, आज इसका काम नहीं है, इसका काम काफ़ी बाद में आएगा। तो आज मुझे जो चीज़ ज़रूरत है वो मैं ले लेता हूँ। सबसे पहले तो मैं चलता हूँ यहाँ से वुड तोड़ने, क्योंकि मुझे वुड ही ज़रूरत है आज। थोड़ी बहुत वुड मैं लेके आता हूँ सबसे पहले। और ये जो एक्सपी फार्म है, मैंने इसको खुद भी क्रिएट में बना के पहले चेक किया, तो पहले मुझे लगा था कि ये बेकार है। मतलब पहले उसने मुझे, बाद में मैंने जब इसको ठीक किया तो माशाल्लाह बहुत एफिशिएंट, और एक बारी में 10-10 तक ये वो मुझे देता है एक्सपीज, मतलब 10 लेवल मेरे पूरे हो जाते हैं, इतनी ज़्यादा एक्सपीज देता है, बहुत एफिशिएंट है। बस मुझे ज़रा सा ये ट्रीज चाहिए, वुड चाहिए। और आपको पता है क्यों चाहिए होता है? चेस्ट बनाने के लिए। और फिर चेस्ट जो है वो दोनों चीज़ों में आती है काम, ओपा बनाने में भी और चेस्ट बनाने में, चेस्ट जो लगाते हैं हम। मैं जल्दी से काफ़ी सारी वुड ले लेता हूँ। कितनी होगी? 16, बहुत है। चले मैं वापस घर चलता हूँ। और इसको बनाने के लिए मुझे चाहिए हो गए 10 स्टैक्स से ज़्यादा, तकरीबन कोई 15 स्टैक पोटैटो। मैं चलता तो कुछ भी है, लेकिन जो स्मेल्ट होता हो तो पोटैटो है भी एक आम सी चीज़, मतलब मेरे पास काफ़ी है। पिछली थर्ड लास्ट वीडियो में मैंने ये अपना कैरेट फार्म बनाया था, यहाँ पे मैंने सारी कैरेट लगा दी हैं। वहाँ पे शायद कैरेट नहीं लगी हुई, वहाँ पे मैं लगा देता हूँ, लगा दूँगा अभी। और यहाँ पे सारा मेरा पोटैटो ये सब उग चुका है, इसको अभी हम तोड़ लेंगे। और ये बहुत एफिशिएंट है ये एक्सपी फार्म भी, मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी लेकिन बहुत एफिशिएंट है। तो जल्दी से आज हम काम करते हैं अपना शुरू। यहाँ से मैं सबसे पहले ओक ले लूँगा और उसके प्लैंक्स बना लूँगा। यहाँ से मुझे चाहिए 8 चेस्ट, यहाँ से मुझे चाहिए आयरन काफ़ी सारा। आज मेरा आयरन शायद ख़त्म हो जाए, मुझे दोबारा से माइनिंग के जाना पड़ेगा आयरन की। तो यहाँ से मैं बना दूँगा 4 होपर, और ठीक है 4 होपर भी बन गए हैं। और मुझे चाहिए यहाँ से, मैं लिख लेता हूँ, मैंने लिखा है पहले भी, दोबारा जाना पड़ेगा, मैं देख लेता हूँ। नहीं, एक और काम भी है मेरे पास, ये भी हम कर सकते हैं, इसको मैं बाद में लगा दूँगा। ठीक है, ही काम बचा है, उससे बाद मुझे दोबारा जाना पड़ेगा। चले, कभी तो काम आया हमारा घर, इस तरह तो नहीं आता, लेकिन फर्स्ट टाइम हमारा घर काम आया हमारे लिए। एक स्मोकर नहीं चाहिए, मुझे चाहिए 2 स्मोकर जी। एक साइड पूरी होगी और एक यहाँ से, इसका मैं ऑफलाइन में दोबारा लगा दूंगा, वो मसला नहीं है। और अब मैं जल्दी से यहाँ से ही बना लेता हूँ स्टोन। स्टोन तो भर भर के है मेरे पास, स्टोन की टेंशन नहीं है। ये इस चेस्ट में खोलते साथ ही स्टोन है। चल,
खोल जा, सेम सेम कहने की ज़रूरत नहीं पड़ी, खुद ही खुल गया। और मुझे चाहिए 2 फर्नेस, ठीक है। अब मैं यहाँ से बुला लूँगा 2 ऊपर, रात हो गया तो मैं जल्दी से सो भी जाता हूँ, बस जल्दी से सुबह हो और हम अपना ये एक्सपी फार्म बनाना शुरू करते हैं। बहुत छोटा सा एक्सपी फार्म है और बहुत एफिशिएंट फार्म है और बहुत ज़बरदस्त है, तब मुझे इसकी जो परफॉर्मेंस है बहुत अच्छी लगी है, इसलिए हम ये बना रहे हैं होपर। ये बस ये 3 चीज़ें मुझे चाहिए बस, और कुछ और एक कोल और पोटैटो जो हैं बस, और कुछ भी नहीं। यहाँ बैठूँगा, ये लग गया। अब मैं यहाँ से जाऊँगा ये ऊपर, यहाँ पे लग रहा है, चलो आ गया, दोबारा बैठ जाता हूँ। यहाँ पे लगेंगे अपने 2 स्मेल्टर, यहाँ पे लगेंगे फिर 2 होपर, यहाँ से फिर थोड़ा सा ऊपर चलता हूँ और यहाँ पे लगेंगे मेरी 2 चेस्ट, डबल चेस्ट। बस ये फार्म रेडी है। यस, मैं भी पहले ये समझा था या मजाक कर रहे हैं शायद, लेकिन ये फार्म रेडी हो गया। ये मैं जल्दी से सारा तोड़ लेता हूँ और अब मैं कोल मैं यहाँ से ले लेता हूँ, इनके अंदर जितना कोल है मैं सारा निकाल लेता हूँ, आज मुझे काफ़ी कोल ज़रूरत पड़ेगा, ठीक है। थोड़ा सा ज़्यादा नहीं है, इतना ज़्यादा नहीं है, क्या किया जाए, मैं इन चेस्ट के अंदर देख लेता हूँ। 4 कोल नहीं चाहिए, अच्छा कोल तो इतना नहीं है, ये है कि चलें बहुत है अभी के लिए, मैं और ले आऊँगा अगर ज़रूरत पड़ा तो। चलें मैं इसी से अभी काम करता हूँ, यहाँ पे मैं डाल दूँगा सबसे पहले अपना आधा आधा, तो सारा चला गया। ये क्या हो गया, ये चलें इतना बहुत है, और बाकी इसमें डाल देते हैं, और ये 4 भी मैं डालता हूँ इसके अंदर। अब मैंने ये मैं 2 मिनट देख रहा हूँ काम कर रहा है, ये वाला कर रहा है ठीक, तो यहाँ से देखने में ऐसा लगता है जिस तरह इन दोनों के बीच गैप है, ये गैप नज़र आता है, इसलिए इनका चेक करूँगा। दोबारा से वार्निंग टेनर स्पॉन हो गया, उसने डरा दिया, चाहे इसके मैं देख रहा हूँ ट्रेड क्या है, ये लेपस तजुली वो दे रहा है, लेपस तजुली का ब्लॉकश है जी, नहीं ट्यूब कोरल ब्लॉक, छोड़ने अभी ज़रूरत है, बाकी सब कुछ बकवास है। सैंड ले सकता हूँ मैं, लेकिन वो अभी ज़रूरत नहीं, अभी लेपस तजुली मैं देख लेता हूँ जल्दी से कि कितनी है मेरे पास, अगर कम है तो मैं नहीं, बहुत है, 1 स्टैग लेपस तजुली काफ़ी होती है, क्योंकि एक ही तो हमने सारे अपने टूल्स में एन्चेंटमेंट लगानी है, तो और मेरा पोटैटो जो है इसमें भी पड़ा है, इसमें थोड़ा सा है, लेकिन वो फार्म मेरा पूरा बन चुका है तो वहाँ से हम ले आएंगे, वो मसला नहीं है। सबसे पहले यहाँ पे मैंने 10 स्टैक वो होने देने हैं, बनेंगे उसके बाद काम शुरू होगा। इसको यहाँ दे देता हूँ, इसको यहाँ, चल अब मैं जल्दी से अपना पूरा फार्म भी दोबारा से हर बेच, पता नहीं इसका क्या कहते हैं, मुझे अभी तक इसका नाम नहीं आया सही, तो ये कर लेते हैं ये सारा। यहाँ मैं सबसे पहले बैठ जाता हूँ, ये बहुत आसानी रहती है समझे, फिर आराम से तोड़ते रहो, ये उसमें ज़्यादा टाइम नहीं रहा क्योंकि अब हमने इंचेंटमेंट शुरू कर दी अपने कपड़ों पे। बस हमारा जो नेदर का स्पॉन है वो थोड़ा सा ख़राब है इस वक्त देखा जाए तो मैं इस बात से थोड़ा डरता हूँ। चलिए अब मैं इसको दोबारा लगा के मिलता हूँ आपसे, बस हो गया। अब मैं देख लेता हूँ कि मेरे पास कितना आया है इसके, देख लेते हैं, ये 4 स्टैक अभी थोड़ा ही है लेकिन बहुत है, अभी इसके अंदर हम जाने देंगे इसको, 1 स्टैक चला गया, ये वापस ये खाली भी हो गया,
ये बहुत एफिशिएंट काम करेगा। इसको इसके अंदर चल, अब ये भी हो रहा है। तब तक मैं ऐसा करता हूँ, एक और चीज़ मैंने जमा की हुई है और वो है स्टिक्स। यस, मैंने काफ़ी सारी ये देख रहे हैं मेरी आधी है एचपी रह गई है इसकी, मेरी एक्स की। ये मैंने इसको इतना माइन की है ट्रीज। चाहे सबसे पहले जाके तो मैं ट्रेडिंग कर आता हूँ अपने अपने विलेजर से, कि मैंने और करनी थी लेकिन अभी के लिए इतने बहुत हैं। और ये जो है ये इसको कहते हैं ग्राइंड स्टोन। यस, ग्राइंड स्टोन। इस पर ये होता है कि अगर मेरे इस पर कोई इंचैंटमेंट लगी है जो मुझे पसंद नहीं है, तो मैं जब इसको यूँ रखूँगा तो ये डिसइंचैंट हो जाएगी खुद ही। तो ये बहुत काम की चीज़ है अगर हमें अपनी पसंदीदा इंचैंटमेंट नहीं मिलती तो। क्योंकि पहले मैं एक और काम कर लेता हूँ अगर यहाँ आई हूँ तो ये स्पॉन ही हो गया तो इनको मार ही देते हैं, लीड ही मिलेगी ना। यहाँ को दिखाता हूँ अपनी लीड की कलेक्शन। जी कलेक्शन जी, आप ही मारना है, ठीक हो गया। अब मैं लीड की कलेक्शन दिखाता हूँ आपको अपनी। इसके अंदर है शायद, इसके अंदर है, ये है मेरे लीड की कलेक्शन। यस 16। जब ये स्पॉन होते हैं, क्योंकि ज़रूरत नहीं है ना इनसे कोई सामान लेना ज़रूरी नहीं है, और सब इनको मार देते हैं, तो मेरा भी यही काम है फिर। तो अब मैं चलता हूँ यहाँ पे जल्दी से ट्रेडिंग करने। अस्सलाम वालेकुम सर, को क्या हाल है, ठीक हो? ये जो लाइब्रेरी ना, ये बहुत बुरा आदमी है। कहाँ पे है ये जी? अभी भी 9 का दे रहा है बेशरम। इसको मैं तोड़ के दोबारा लगाता हूँ। अच्छा आप कौन बनेगा, फिर से ये बना है। इसकी जॉब पहले चली था जी, जॉब जा पहले इसकी जॉब जाएगी, इसके बाद में किसी और को बनाऊंगा। एक तो आप इनकी जॉब नहीं जाती है, बड़ा मसला है। उसको मैंने तोड़ लिया लेकिन इसकी जॉब नहीं जाएगी, ये पता नहीं होता। चलें मैं पहले ट्रेडिंग कर लेता हूँ इनके साथ। तो चलो शुरू करते हैं ट्रेडिंग। आज इसको लेवल 2 का भी कर दूंगा मैं, अच्छा भी नहीं हो सकता है लेवल 2 का। आप आ जाए, नहीं ये इसका ट्रेडिंग की है, हाँ इसका ट्रेडिंग की है, ठीक है। अच्छा अच्छा इसको भी लेवल 2 का होने लगा है, ये हो जाएगा लेवल 2 का। आप क्या दे रहा है, इंचेंटेड बो दे रहा है, ये सही है। इंचेंटेड बो मैं ख़रीद सकता हूँ, शायद ख़रीदूँ, क्योंकि वैसे तो मैं लगा दूंगा इंचेंटमेंट, लेकिन देख लेंगे अगर हमें अच्छी ना मिली इंचेंटमेंट तो यहाँ से ख़रीद लेंगे। चलो 36 एमराल्ड्स हो गया मेरे पास। और इसकी नौकरी पता नहीं क्यों नहीं जा रही है, किसी कोई और ले लेता तो। इसने लिया अभी। अच्छा आप क्या दे रहे हो, यहाँ है, मुझे नज़र नहीं आता है कौन सी बुक दे रहा है समय। ये देख कौन सी बुक रहा है, ये स्माइट 5। यस ये बहुत अच्छी ट्रेड है, इससे मैंने एक ही बुक लेनी है तो अभी ले आते हैं। मैं कह रहा हूँ अभी कर लेते हैं ट्रेड, मैं बस जल्दी से आता हूँ। नहीं ट्रेड बहुत अच्छी है, इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि मैं जल्दी ले लूँ। स्माइट 5 चाहिए, मैं अपनी इस पे लगाना चाहता हूँ एक्स पे, जो शॉर्ट पे है वो मैं लगाऊँगा अपनी शार्पनेस 5। तो यहाँ से मेरे पास शुगर केन लेदर तो बहुत है, लेकिन शुगर केन इतना नहीं है। इसमें मैंने रखा हुआ थोड़ा सा, ये 3 पेपर का बन जाएगा। बस एक बुक चाहिए मुझे अभी के लिए, ये एक बुक और एमरस तो मेरे पास है ही। जल्दी से यहाँ से नीचे चलता हूँ, आज एक बुक भी चलो ख़रीद लेते हैं। चल फर्स्ट ट्रेडिंग हमारी हो गई है। अब ये है कि ये जो है ये परमानेंट हो गया, अब ये कभी इसकी जो ट्रेड है ना वो ख़त्म नहीं होगी। तो ये मेरे रस्तों में आ जाते हैं, पहले भी कईयों को
इसी वजह से जो मारता तो नहीं हूँ मैं, वो फिर अच्छा नहीं लगता ना, अपने ही हैं सारे, क्या फ़ायदा भी मारने का। ऊपर बेड था मेरा, मेरा बेड भी ज़मीन में उतरवा दिया। चलो मैं जल्दी से यहाँ पे अपना बेड लगाता हूँ। सबसे पहले तो बेड आ गया। रात में अपनी अपनी जो मेरी बुक है एन्चेंटेड, उसको मैं यहाँ रख, स्माइट 5, मतलब हमारी लक बहुत अच्छी है कि मैं डायरेक्ट स्माइट 5 का वो मिला है। अच्छा ये सब हो गया होगा अभी तक, हो रहा है, चेस्ट खाली होगी होगी। चेस्ट को ओपन करने के लिए हमें काफ़ी आगे जाना पड़ता है, तो मैं देख लेता हूँ, मैं यही कर सकता हूँ कि मैं दोबारा से इसको देखूँ ग्रो हुआ है कि नहीं। उस तरह अभी तक ग्रो नहीं हुए, तो मैं आपको अपने वूल फार्म की प्रोग्रेस बताता हूँ। इसका भी अभी इसकी ज़रूरत नहीं है असल में, इसलिए मैं इसको नहीं तोड़ा। मेरा सब कुछ ग्रो है, सब वीट, अभी मैंने वीट तोड़ा है। मैं आपको वीट की कलेक्शन भी दिखाता हूँ अभी। सबसे पहले ये देख सकते हैं, 1, 2, 3 स्टैक मेरे पास हो गया सर ग्रे वूल, और 1, 2, 4 स्टैक होने लगी है मेरे पास वाइट, और 3 स्टैक होने लगी है ब्लू। तो बहुत, मैंने कहा ना, बहुत एफिशिएंट काम करता है। मुझे इस फार्म से बहुत मज़ा आया इस फार्म को बना के, और इसने जो अपनी कारकर्दगी दिखाई है वो बहुत अच्छी थी। हमारा ये शुगर केन फार्म थोड़ा सा स्लो है, इतनी जल्दी फास्ट काम नहीं करता, लेकिन ये है कि काम ये भी सही करता है, मतलब अब इसमें टाइम लगता है लेकिन उस समय टाइम नहीं लगता। अब ये मैंने अभी लगाए थे ग्रो, शायद ज़्यादातर ग्रो हो गए, इसमें से नहीं तोड़ेंगे। क्या मैं इसको जो नज़र आ रही है इसको तोड़ूंगा, कितने मिलता है? 1 ही मिलता है, तो अभी मैं नहीं तोड़ता इसको, फ़ायदा कोई नहीं होगा। और मैं देख लेता हूँ, एक दो तीन छः स्टैक हो गया है। यहाँ पे कितना है? 1 भी नहीं है, यहाँ पे भी 1 भी नहीं है, यहाँ पे ये रहेगा, यहाँ पे ये रहेगा। ये देख रहा था अभी ये वर्क कर रहा है कि नहीं, एक बार ट्राई मार लेते हैं। चलें, यहाँ से मुझे चाहिए होंगे 2 लीवर, 2 लीवर बन गए। लग कर एक काम कर जाए, मज़ा आ जाएगा। इतनी जल्दी करता नहीं है लेकिन शायद कर जाए। सबसे पहले मैं बैठूँगा, ये लगाया, ये लगाया, इसको नीचे किया, इसको भी नीचे किया। जैसे स्मेल्ट होगा, ये मेरी अभी 26 है, 26 नहीं 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 ये 26 है, ये मेरी 26 फुल होने लगी है। अब ये 3 लिए, 27 फुल होने लगी है, ये वर्क करना शुरू हो गया। ये 28 में चली गई है, 28 फुल आने लगी है, और ये मेरी 29 फुल आने लगी है, और ये मेरी पूरी 30 हो गई है। ये देख सकते हैं इतना एफिशिएंट फार्म है ये, मतलब मुझे पूरा 10 स्टैक करने की जरूरत भी नहीं पड़ी, और मेरा ये 30 लेवल हो भी गया। अगली वीडियो में इंशाल्लाह हम जरूर इसको वो करेंगे, इंचाइंट अपने आर्मर को इंचाइंट करेंगे। 32, 33, 34 होने लगा है, जैसे मैं लूँगा इंशाल्लाह 34, और ये हो जाएगा इस बारी 36, 35 हो गया। ठीक है, बहुत एफिशिएंट है फार्म, बहुत ज़्यादा। आज मैंने अपना फर्स्ट एक्सपी फार्म बनाया, और आप देख सकते हैं इस वक्त मेरी एक्सपी 35 हो चुकी है, और ये बहुत एफिशिएंट फार्म है। अगले एपिसोड में हम इंशाल्लाह ज़रूर अपने आर्मर को इंचेंट करेंगे। अब आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। अब आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।